प्रेरणा कथा। किसी और से शादी। एक दिन एक छात्र ने एक शिक्षक से पूछा, लोग ज्यादातर जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी न करके किसी और से शादी क्यों करते हैं? शिक्षक ने कहा, अपने प्रश्न का उत्तर तुमको खुद ही मिल जाएगा। तुम ऐसा करो, वो सामने के गेहूं के खेत में जाओ और सबसे अच्छा गेहूं लेकर वापस आ जाओ। तुमको एक नियम का पालन करना होगा, तुम खेत में सिर्फ एक बार ही जाओगे और एक बार आगे बढ़ जाने के बाद पीछे नहीं मुड़ सकोगे। वो छात्र गेहूं के खेत में गया और पहली पंक्ति में लगे हुए गेहूं देखने लगा। थोड़ी आगे उसको और बड़े बड़े गेहूं के पौधे दिखने लगे। वो आगे बढ़ता गया, कुछ आगे गेहूं की बाली और भी बढ़ी थी। उसने आधा खेत पार कर लिया। अब उसने देखा कि आगे तो छोटे छोटे गेहूं थे, वो पीछे जा नहीं सकता था। अंत में वो खाली हाथ की कक्षा में आ गया। शिक्षक ने उसने कहा, तुम और अच्छा खोजते रहे, परंतु आधे खेत के बाद तुमने महसूस किया कि तुमने सर्वश्रेष्ठ तो पीछे ही छोड़ दिया था, तुम वापस जा नहीं सकते थे। बस यही गलती प्रेम करने वाले भी कर देते हैं। लोग प्रेम करते हैं और संबंध तोड़कर किसी और से शादी कर लेते हैं, परंतु बाद में उनको आभास होता है कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ तो खो दिया होता है। छात्र ने कहा, इसका मतलब है व्यक्ति को कभी प्रेम करना ही नहीं चाहिए। शिक्षक ने कहा, नहीं बेटा, कोई भी व्यक्ति प्रेम कर सकता है और यदि उसको अच्छा साथी मिल जाए, परंतु अगर सच्चा प्रेम हो जाए तो तुमको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हारे क्रोध, अहंकार या किसी और से तुलना के कारण तुमको अपने प्रेमी या प्रेमिका को छोड़ नहीं देना चाहिए। छात्र ने कहा, लोग किसी और से शादी कैसे कर लेते हैं? शिक्षक ने कहा, जाओ फिर से उस खेत में जाओ और सबसे अच्छी गेहूं की बाली लेकर आओ। छात्र गेहूं के खेत में गया। इस बार वो पिछली गलती नहीं दोहराना चाहता था। खेत के बीच में पहुंचकर उसने गेहूं की बाली तोड़ ली। वो संतुष्ट था। वो वापस कक्षा में आ गया। उसने आकर शिक्षक से बात की और बताया कि उसने कैसे वो बाली चुनी थी। शिक्षक ने कहा, इस बार तुम खाली हाथ नहीं आए, तुमने आज अच्छी सी गेहूं की बाली देखी और तुमने वो ले ली। तुमने विश्वास किया कि वही उस खेत में सबसे अच्छी बाली है। बस इसी तरह लोग शादी के लिए साथी चुन लेते हैं। छात्र अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ था। शिक्षक ने कहा, तुम अभी भी असमंजस में हो। छात्र ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी करनी चाहिए या जिससे शादी की हो उसको प्यार करना चाहिए। शिक्षक ने जवाब दिया, उत्तर तो तुम जानते ही हो, अगर तुम खुद स्वीकार करने को तैयार हो। छात्र सिर्फ मुस्कुरा दिया, वो समझ गया था। मित्रों, जीवन फलों की टोकरी की तरह है। या तो तुम मनपसंद फल लेकर खा सकते हो या फिर वही फल लोगे जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। ठीक से चुनिएगा, वरना सारा जीवन यही सोचते रहोगे कि अगर मैंने। जब तक आप स्वयं से सत्य कहते रहेंगे और अपने प्रति वफादार रहेंगे, आप चाहे प्रेमिका से शादी करें या पत्नी से प्रेम करें, आप गलती नहीं कर सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारी इन छोटी छोटी कहानियों को अपने मित्रों के साथ बांटिए।